मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों किसानों अते नरमे की चुकाई करने वाले मजदूरों लई नवा ऐलान किया गया है। यह ऐलान मुख्यमंत्री वालों नरमे की खराब हुई फसलों नूं वेखदे होए किया गया है, जिस नाल किसानों नूं बहुत वड्डी राहत मिलेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अज चंडीगढ़ विखे पंजाब भवन विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान गलबात दौरान किया। स्वागत है अज किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा दियां सारियां यूनियनां दे नाल लंबी चर्चा ते मीटिंग हुई है। उन्होंने 18 पॉइंट सरकार नूं लिख के भेजे सी, जिन्हां ते ओह विचार करना चाहुंदे सी, उन्हां दियां मंगां सीगियां। तां मैं ये दसदे होए खुशी महसूस कर रहा कि किसान यूनियनां दे नाल बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अच्छे माहौल दे विच खुशी दे माहौल दे विच आपसी तालमेल दे विच बहुत वधिया मीटिंग हुई है। ते लगभग उन्हां दियां सारियां जो उन्होंने सानू कहा ऐसी उस तो भी उपर दो चार होर मंगां जिहड़ियां बाद विच भी उन्होंने दसियां वह सरकार ने मन लईआं है। ते फुली सैटिस्फाइड बिल्कुल संतुष्ट होके साढ़े कोल तो किसान यूनियन गई हैं और बड़े खुशी के माहौल दे विच मीटिंग की समाप्ति हुई है। मैं किसान यूनियन का धन्यवाद करना चाहुंदा है कि वह पंजाब दे लई पंजाब दे किसानां दे लई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं और मैं उन्होंने विश्वास दवाया है कि पंजाब की सरकार हर तरीके दे नाल किसान यूनियन दे नाल खड़ी है। तो उन्होंने मोर्चे दे विच जेकर सानू अस्तीफा दे के भी वह कहण तो असीं उन्हां दे नाल जाण नूं तैयार है। तो असीं उन्हां दी हर तरीके दे नाल मदद दे विच पंजाब दी सरकार खड़ी है। पिछले विधानसभा दे विच जो सानू किसान यूनियन ने हुक्म कीता सी कि रेजुलेशन लिया जाए, ऐसी हूबहू उही रेजुलेशन लेके आए है। उस तो भी उपर दो लाइना मैं ऐड कराइया कि यह सदन सारे MLA सर्बसम्मति नाल सरकार नूं हदायत करते हैं कि पंजाब दे विच काले कानून लागू ना किते जाण। उहदे नाल पंजाब सरकार हुण इह कानूनां नूं लागू नहीं कर सकदी ते पंजाब दे विचों इह कानून है जिहड़े रद्द हैं। इस तों बिना 2013 दे विच जो अकाली सरकार ने इन्हां कानूनां काले कानूनां दे नाल मिलदा जुलदा ही कानून पास कीता सी, जिस दी बुनियाद इन्हां जिहड़े हुण काले कानून आए उन्हां दी बुनियाद वह 13 दा कानून बनिया। ऐसी अकालियां दा बनाया होया कानून भी रद्द कर दिता जिहड़ा कि किसानां दे खिलाफ सी 2013 च उन्होंने बनाया सी, जिहदे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने करन दा ऐलान कीता सी, कानून बनाया सी। सो अज जो मंगा उन्होंने 18 रखिया सी उन्हां च पहली करजे बारे डिमांड सी। एक और डिमांड दा असीं कहा कि असीं इहदे च सरकार पूरी आपसी घो करके फिर दुबारे उन्होंने नाल बैठेगी। बाकी दियां 17 दियां 17 मंगा असीं उन्हां दियां अज इत्थे ही ऐलान करके मान लईआं। उस तो उपर भी कुछ गल्लां फिर उन्होंने मौके ते सानू कहीआं ऐसी वह भी सरकार ने मान लईआं। इन्हां दे विच गुलाबी सुंडी जिहड़ी बठिंडा एरिए च पई है, हालांकि मैनूं सवेरे उगराहां ग्रुप वाले भी मिले सी, उन्हां दी डिमांड सी, उन्होंने उत्थे संघर्ष भी कर रहे आ उधर कि किसानां नूं मुआवजा वध दित्ता जावे। अज भी किसानां ने इस गल दा मुद्दा उठाया है, पर मैं अपने वल्लों ही वध जिहड़ा मुआवजा देना ऐसी सरकार चाहुंदी है। सो जिहड़ा 12,000 दा पहला मुआवजा गया है किसानां नूं, हुण असीं कुल 17,000 रुपया जिन्हां दा 75% तों वध नुकसान हो गया जिहनूं 100% मन्निया जांदा है
उन्होंने 17,000 रुपया 12,000 की बजाय 17,000 रुपया कुल है जड़ा वो मुआवजा देवे। तो जेड़ा मजदूर नरमे चुगदा है जिन्हें चोगा कहते हैं उन्होंने 10% मुआवजा इस तो उपर दिता जाएगा, उन्होंने भी 10% मुआवजा जोड़ा सरकार देगी, जोड़ा कि असी डीसिया के दफ्तर के पैसे भेज दते हैं। इस तो अलावा जिन्हें भी किसानी संघर्ष के किसान शहीद होए है असी किसान यूनियन कहा कि तुसी सर्टिफाई करके सानू लिस्ट दे दो, जेड़ी लिस्ट वो देंगे असी उन्हां सारे किसान या मजदूर जेड़े किसान यूनियन के संघर्ष के शहीद होए है उन्होंने नौकरी ते जो निर्धारित मुआवजा उन्हां सारियां नूं दिता जाएगा। गन्ने का 360 रुपये रेट किया गया है, उहदे विच पहला 310 सी, 50 रुपये जिहड़ा वधिया है उहदे चो 35 रुपये सरकार पाएगी, 15 रुपये गन्ना मिल पाउणगे। तो ये भी असी उन्हां दी मन जिहड़ी है मन ली है, तो उन्होंने काउंटर पेमेंट करने नूं कहा है। किसानां दी जिहड़ी फसल इस साल आई है इस गल नूं सारियां यूनियनां ने मन्निया, किसानां ने मन्निया है कि इस बार अगे नालों बहुत वधिया फसल किसानां दी वधिया तरीके नाल चक्की गई है, सही टाइम ते पेमेंटां होई हैं, कोई विघन नहीं पिया, कोई हड़तालां या संघर्ष करन दी लोड़ नहीं पई। इस बार सरकार ने पिछले 20 सालां दे विच सब तो वधिया तरीके दे नाल फसल चक्की है। फिर भी जिहड़ी हुण फसल अजे कोई रहिंदी है वो असी अगले 3 या 4 दिन चक देवे। एक एपी स्कीम के तहत 500 किसानों ने मीटर लाए हैं सब्जी लाने वाले ने या कोई होर, उहदे विच 37,000 रुपया भी लाउंदा है। किसानों की मंग सी कि ये 500 मीटर भी फ्री कर दिते जान, किसानी के काम आउंदे है, फसल बीजते हैं, इस करके असी ये 500 मीटर भी जिहड़े उन्हां दे फ्री कर दांगे, उन्हां नूं जिहड़ी है वह फ्री बिजली किसानां नूं पानी लाउण लई मिलिया करेगी। इस तों अलावा भर्ती दी उन्होंने गल कीती सी, तुसीं मेरा बयान पहला भी 2-4 दिन पहला देखिया कि असी पंजाब दे विच चाहुंदे हां कि पंजाब दे ही नौजवान भर्ती होण, उहदे वास्ते असी हफ्ते दे विच विच नवां कानून लैके आ रहे हैं जिदे नाल पंजाब दे विच पंजाब दे ही नौजवान भर्ती होणगे। सो ये अज मैं थोनू दसना सी। एक होर वड्डी गल जिहड़ी किसानां ने सातों मंग कीती सी कि पिछले जिन्नी देर तो संघर्ष चल रहा है बहुत सारे परचे पंजाब सरकार वल्लों किसानां ते कीते गए है, ऐसी जेड़ा भी परचा किसान अंदोलन दे नाल संबंधित है वो सारे परचे रद्द कर रहे हैं। ये सरकार वालों आज फैसला ले लिया गया है। इस दे नाल नाल अगे तो ऐसी चाहते हैं कि पराली नूं कोई किसान अग ना लावे, ते इस गल दी सख्ती भी सरकार करेगी, लेकिन अज तक पुराने जे कोई पराली दे नाल संबंधित किसी ते परचा है अग लाउण लई वो असी कैंसल कर रहे हैं। लेकिन अगे नूं मेरी किसानां नूं बेनती है कि कोई भी किसान पराली नूं अग ना लावे, इहदे नाल प्रदूषण फैलदा है। ये सरकार नूं ये लाजमी करना पैना कि कोई भी किसान अग ना लगावे, लेकिन पुराने जिहड़े है वह गल्लां खत्म कीतियां जा रही हैं, सारे परचे खत्म। किसानां दियां इस तरीके दे नाल सारियां मंगां नहीं मन्नियां जिहड़ियां कि अज मन्नियां गईयां, और उन्होंने मैनूं कहा है कि अज सानूं लग्गिया है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनिया है जिहड़ा किसान किसानी दे हक विच काम करदा है, जिन्हें खेतां बारे हर चीज़ की नॉलेज है, जिन्हें पंजाब दे लोकां दी सरकार है, आम लोकां दी सरकार है, उस वल्लों ये वचनबद्धता दोहरांदा है कि पंजाब सरकार किसानी मुद्दे ते किसान
जिहड़ा अंदोलन चल रहा उहदे इहनां दे नाल खड़ी है। थोड़ा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।